रूस में कोविड 19 के कारण शुक्रवार को रिकॉर्ड 887 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब रूस में कोविड 19 के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को रूस में कोविड 19 के 867 मरीजों की मौत हुई थी। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक रूस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के मुताबिक गुरुवार को देश में संक्रमण के 24,522 नए मामले सामने आए थे। जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक मामले हैं। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमण के नए मामलों की संख्या बढ़ाने और इतने अधिक लोगों की मौत होना काफी भयानक और चिंताजनक है। टास्क फोर्स की प्रमुख एवं उप प्रधानमंत्री तत्याना गोलिकोवा के अनुसार रूसी सरकार की देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अमरीका में भी कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पर उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया है कि न्यायमूर्ति ब्रेट कावनॉक कोविड 19 से पीड़ित पाए गए हैं। अदालत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया है कि न्यायाधीश में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है और उनका जनवरी में ही पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कोरोना से जुड़े हर एक न्यूज के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।